हेलो स्टूडेंट्स, नाउ एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीबीएसई का डिस्कस करेंगे अपने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर रहेगा हमारा और वहां से हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर बी रेडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? पहले प्रॉब्लम फिर सोल्यूशन। डू सब्सक्राइब, डू फॉलो। आपको बोला गया कि दो चार्जेस हैं क्यू क्यू, जिनके बीच का जो गैप है वो 2L है, ठीक है। यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, जिसका मास एम है। इनिशियली सिस्टम कुछ ऐसे है। नाउ माइनस क्यू स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ माइनस क्यू चार्ज। मतलब क्या किया गया, इस पर्टिकुलर चार्ज को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। आपसे पूछा गया कि जब ये एसएचएन करने लगा है तो इस माइनस क्यू का टाइम पीरियड फाइंड आउट करके बताइए। सीबीएसई में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है और हो सकता है 5 मार्क्स के लिए भी आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस अल्टीमेट अमेजिंग प्रॉब्लम को सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे जैसा इन्होंने बोला है। तो जैसे ही मैं माइनस क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, देखो क्यू क्यू 2L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है बेसिकली। तो मान लीजिए मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो जैसे ही आप स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो इस माइनस क्यू पे कुछ फोर्सेस काम करने लगे। वो फोर्सेस कौन कौन से होंगे, कैपिटल क्यू चाहेगा कि ये माइनस क्यू इसकी तरफ आ जाए अट्रैक्ट होके, और ये कैपिटल क्यू चाहेगा कि ये माइनस क्यू इसकी तरफ आ जाए अट्रैक्ट होके। तो जो नेट फोर्स है बेसिकली वो देख सकते हैं हम किस डायरेक्शन में लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा अज्यूम कर लेते हैं एंगल, और यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। ये भी एंगल हो गया थीटा। रीजन क्या थीटा होने का, क्योंकि ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, एल, मिड पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। मान लीजिए यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है और यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। बिकॉज देखो ये जो गैप है, ये गैप है सब बराबर है, चार्जेस भी बराबर है, इक्वल है, तो हमें पता है कि F1 और F2 आपस में इक्वल होने वाले हैं, इसलिए हम सीधा क्या लिख रहे हैं यहाँ पे F1। ये एंगल थीटा, तो कंपोनेंट किया इसका इधर की तरफ आया बच्चों F cos थीटा, और नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या आया F sin थीटा। ऐसे इसका किया तो इधर क्या आया F cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आया बच्चों F sin थीटा, ठीक है। अब आप देख रहे हो दोनों जो फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड में तो सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो F cos थीटा से F cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस क्यू पे जो नेट फोर्स काम करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो वापस इसको इसकी मीन पोजीशन पे लेके आएगा, वो है बच्चों 2F sin थीटा। अब हमें बस क्या करना है, 2F sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो निकालना शुरू करते हैं। एफ आपको पता है कैसे लिखेंगे, एफ आप देखिए के चार्जेस क्यू चार्जेस माइनस क्यू डायरेक्शन का यूज कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड सीधा लिखेंगे हम लोग, माइनस प्लस की टेंशन नहीं रहती है। के क्यू क्यू, और ये जो गैप है देखिए ये एल है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस से ये जो डिस्टेंस है ये वाली कितनी आ जाएगी, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, फोर्स की मैं बात करूं तो रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब हमें काम करते हैं, F निकाल चुके हैं, इक्वेशन 2 दे दो 1 दे दो। अब हमें काम करते हैं बच्चों sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसकी वैल्यू, sin थीटा की। तो इस पर्टिकुलर के अंदर आप देखिए, चाहिए ट्रायंगल लो चाहिए ट्रायंगल लो, sin थीटा बेसिकली क्या होता है, होता है P/H। तो P तो आ जाएगा x और h आ जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लो इक्वेशन नंबर 3। अब डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, हमने थीटा भी निकाल लिया है, फोर्स भी निकाल लिया है, तो मैं काम करता हूं इक्वेशन 2 और 3 दोनों की वैल्यू 1 में पुट कर दूंगा। तो जैसे मैं इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू 1 में पुट करूंगा तो एफ नेट क्या आएगा बच्चों, 2 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाय रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या इसको क्या लिख सकते हो, 2 के क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन L square plus X square power raised to 3 by
2, this is our equation number 4. तो हमने क्या किया, हमने F net की value find out कर ली. अब question में बोला गया है, देखिए ये downward force आया basically, ये वाला. तो डाउनवर्ड को अगर आप शो करें तो डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में शो करें या डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में शो करें तो आप यहाँ माइनस का भी यूज कर सकते हैं इसके आगे, ठीक है, करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बिकॉज हम चाहते हैं कि SHM करे, तो SHM अगर करेगा तो SHM के लिए जो नेट फोर्स है बच्चों वो क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स होना चाहिए. वो फोर्स क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ के एक्स होना चाहिए. अब वो अगर फोर्स माइनस ऑफ के एक्स होना चाहिए तो इन दोनों को इक्वेट कर दें. मैंने बोला था कि आप मोड कंसीडर कर सकते हैं, डाउनवर्ड के लिए चाहे तो यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, हमारे आंसर में कोई से इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कंसेप्चुअली आप इसको माइनस में लें, इसको माइनस में लें, इक्वेट करें, या आप दोनों के मोड को भी इक्वेट कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दोनों का अगर मोड इक्वेट करूं मैं तो 2kq² / यहाँ आ जाएगा l² + x² पावर रेज टू 3/2, और दोनों का मोड इक्वेट किया है यहाँ. तो देखो बच्चों x से x कैंसिल, k की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे. k की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू हमें मिलेगी 2kq² / l² + x² पावर रेज टू 3/2. बट इन्होंने बोला स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इसका मतलब l इज ग्रेटर देन x. स्लाइटली डिस्प्लेस किया है ना, तो l इज ग्रेटर देन x. अगर l इज ग्रेटर देन x तो यहाँ पे x को आप नेगलेक्ट करो, जैसे नेगलेक्ट करोगे तो k क्या आ जाएगा, 2kq² अपॉन l² 3/2, यानी कि 2kq² / l³. ये k आ गया, जो यही तो चाहिए SHM के लिए. अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k. तो लो 2π√m / k की वैल्यू ये रही, 2kq² ऊपर भेज दो l³. इसकी शक्ल थोड़ी और अच्छी कर सकते हो, सकता है ये ना हो सकता है प्रूव करने के लिए बोलो, तो एक काम करो k की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 वो पुट कर दो. तो फाइनल आंसर हमें मिल सकता है कुछ इस तरह से बच्चों, m 4π0 l³/2q² 2 से कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा 2π√2πm/l³/q² तो एक टाइम पीरियड आप लोगों से प्रूव करवाया जा सकता है कि SHM हो रही है. बताइए कितना टाइम पीरियड आएगा कि नहीं आएगा. होप कि आपको न्यूमेरिकल अच्छा लगा होगा, ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, CBSE में 4 या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. प्रिपेयर कीजिए और अच्छे अच्छे मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा अगले दिनों में, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आते ही पता लग जाए, वेट ना करना पड़े. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.